क्या 8,000 साल पहले किसी ने सोचा था कि एक अर्थक्वेक से एक दिन इतनी सुंदर लेक बन जाएगी? आज मैं उस लेक को फिर से एक बार देखने जा रहा हूँ। जिनके साथ जा रहा हूँ उनका इंट्रोडक्शन मैं लास्ट ब्लॉग में दे चुका हूँ। हाँ, तो ये लेक है इसिक लेक। इसका नाम इसिक लेक इसलिए है क्योंकि ये इसिक सिटी में है एंड इट इज फेड बाय इसिक रिवर। सो दिस लेक इज 2 आवर ड्राइव फ्रॉम अलमाटी सिटी और रास्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इस लेक की एक खास बात और है कि इसके पानी का कलर हर सीजन के साथ चेंज होता है एंड हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक ग्रीनिश टील टिंट टू इट ड्यू टू द मिनरल्स प्रेजेंट इन इट। तीन जगह है उसमें, इसिक लेक है, ट्राउट फार्म बेसिकली एक रेस्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, रिफ्रेशमेंट पॉइंट टू ईट रेस्टोरेंट टाइप है, और बियर वाटरफॉल है जिसमें थोड़ी सी हाइक है, एंड इसिक लेक तो पता ही है। इसिक लेक लिखोगे तुम्हारे भाई की सबसे टॉप पे वीडियो आती है जहाँ तक मेरे को पता है, और वो वीडियो भी बड़ी उस दिन मस्त बनी थी, मज़े आ गए थे उस दिन। 8:30 होने वाले हैं, इसको जूम करते हैं, रुको जूम। गुड वेदर। तिमर भाई फोन पे बिजी है, चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। गेर पाता बोल श्री अम्बे मात की। California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. Hey folks, we are going to Isik Lake. Today with me, here is Ankur, here is Sami, and here is Gagan. बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी में इस वक्त। हवल में बैठे हुए हैं, इसिक लेक की तरफ जा रहे हैं। हमने करीब करीब आधा पौन घंटा व्यतीत कर लिया है गाइस, और जो गाड़ी चली है जिसमें मज़ा ही आ रहा है एकदम। ओके बाय टाटा। सब आ गया, हो गया लगभग, और ये बियर वाटरफॉल वाला फर्स्ट स्टॉप बियर वाटरफॉल, देन ट्राउट फार्म एंड देन इसिक लास्ट में। फिर जाते हुए देखेंगे, टाइम बचा तो आज चलेंगे वृंदावन पार्क, देखते हैं, बोल देंगे उसको वहीं से लेके जाएगा। चलो भाई, फाइनली रीच्ड इस बियर वाटरफॉल, राइट? बियर वाटरफॉल हाइकिंग, इजी इजी ट्रिप, इजी हाइकिंग। हाँ हाँ, ओके, 30 मिनट्स, ओके मैक्सिमम। ओके ब्रो, हाय हाय हाय। चलो भाई, स्वागत है आपका बियर वाटरफॉल में, स्वागत हुआ एक बड़ी प्यारी सी नदी से, ये देखो। दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता कोई उधर से है, तो हमने कहा हम पुराने रास्ते से जाएंगे, हम नए रास्ते से नहीं जाएंगे। वो आंटी बंदूक चला रही है। ओके ओके, चली नहीं आंटी से। ओ ओके, तो ये सोवेनियर टाइप है, सही लग रही है, हैंडमेड गन्स हैं 2000 टेंगे की। ऐसे करो, ऐसे करो। तो भाई ये पसंद आ गई इनको बहुत ज़्यादा, हैंडमेड गन, रॉबिन हुड अलमाटी के। बाकी सही है, आंटी ने प्राइस अच्छे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई स्कूल का टूर आया हुआ है, बच्चे खड़े हैं। ओके सब बोल। तो भाई आम पापड़ा है सेब का, समझ रहे हो क्या है, मतलब सुखा के बनाया हुआ है। ये अनार का है। नीला नीला पानी आ रहा है बिल्कुल ग्लेशियर से। यहाँ हम
एक हाइक छोटी सी करते हुए जा रहे हैं बियर वाटरफॉल्स पे। मेरे साथ गगन और पीछे समीर और उससे भी पीछे अंकुर है। मैं आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ का। ये देखिए पास में बह रही है लेक, जबरदस्त मौसम और ये जबरदस्त ठंडा पानी। आइए दोस्तों, तो भाई पूरा जंगल है तो, और अलग अलग कैटरपिलर मिल रहे हैं रास्ते में लटकते हुए, पेड़ से लटक रहे नीचे। हाउ इज द जोश? हाय। हाउ इज द जोश? वेरी हाय। अभी कह रहे थे आई एम डन फॉर द डे। पूरा ऐसे पत्थरों वाला ही रास्ता है तो 30 मिनट्स तो काफ़ी हो जाएगा। अलमारा सुन वाला सेम ही हो गया लगभग, उतना ही है। बट व्यू गजब का है, नाइस है। वाह यार, सी दिस व्यू यार, एक बार क्या व्यू है, नाइस। मतलब ट्रैकिंग इज गर्मी में थोड़ा सा हेक्टिक है, पसीना पसीन हो गया पूरा। मैं ऊपर से मैं बैग लेके आ गया हूँ, पानी वानी था, मैंने कहा बैग ही ले लेता हूँ, बट अभी तक पहुँचे नहीं है। लास्ट 30 मिनट्स तो हो ही गए होंगे, बट हम रुक गए थे बीच में 5-7 मिनट। दैट्स द व्यू। ओ भाई पीछे देखो एक बार, समैक्सी हो रखा है। और भाई ऐसी जगह हो कि हाइक हो, मजे ही मजे, मजे ही मजे, पहाड़ हो मजे ही मजे, सूरज हो मजे ही मजे, पानी हो मजे ही मजे, वाटरफॉल हो मजे ही मजे, भाई पसीना आ रहा हो और ये हवा चल रही हो, पसीना सुखा रहा हो, मजे ही मजे। वेलकम टू अलमाटी, मजे ही मजे। चलो भाई फाइनल पॉइंट, बस ये क्रॉस करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सेफ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इजी टू गो। वहाँ पे लोग हैं ऑलरेडी, बट बहुत प्यारा व्यू है, पानी के छींटे आ रहे हैं मुंह पर। आइए, और ये है फाइनली बियर वाटरफॉल। नहा ले क्या? लोग तो है नहीं, कोई जो है उतार देते हैं। हर ट्रैक ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता ही है जो सिर्फ मजे लेता है विदाउट रिकॉर्डिंग, बाकी सब रिकॉर्ड करने में लगे रहते हैं, जैसे कि मैं। बट एक व्यू देखो यार। हमारे देखते देखते भीड़ होगी पूरी, बस लास्ट फोटो लेते हैं एंड लेट्स गो, वापस चलते हैं नीचे क्योंकि इससे कुछ जाना है, अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओ कजाकिस्तान, वेलकम टू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू ब्रदर, वॉचिंग पे। चलो भाई गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, नाइस, बहुत भीड़ होगी, लेट्स गो बैक, वापस आएंगे नेक्स्ट टाइम पक्का, अच्छी जगह है। चलो भाई खाने का स्टॉप, ट्राउट फार्म, ELKZ पता नहीं क्या लिख रखा है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। बस बाहर का खाना अलाउड नहीं है, अंदर रेस्टोरेंट है, फिशिंग करो और वो खाओ, खानी है तो अगर तुम्हें फिश इफ़ यू वांट टू, हम तो नहीं खाएंगे कोई भी, सारे वेजिटेरियन आए हैं ट्राउट फार्म। तो ये रेस्टोरेंट टाइप है एंड सामने वो फिशिंग पॉन्ड है। ले लो होटल में।
तो भाई फाइनली 3 बज गए, अब पहुँचे हैं इसिक लेक। नाइस। कुछ खाते फिर चलते, नींद आ रही है। सी गाइस, धाम धाम। इसिक लेक के फिर से दर्शन हो गए एक साल बाद। इन्होंने लेटेस्ट स्टार्ट किया लगता है, इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रेंट में खड़ा दिए। नाइस। दादा तेरा नित गोप्र तेरा डीजीआई डीजीआई वो डीजीआई एक्शन 4 एक्शन चितेर ब्लॉगर या ब्लॉगर यूट्यूब कैनल इसकी उज़्बेक इसकी नित हिंदी 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 वेलकम वेलकम टू कजाकिस्तान। ओके ओके वेलकम टू कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान। ना ना कुछ नहीं लग रहा, घोड़े वोड़े स्कूटर काफी कुछ चेंज कर दिया है। बाकी लेक बड़ा प्यारा है, पानी सूखा हुआ है थोड़ा सा, कम है पानी। ये रख दूं से नीचे लेके जाऊं? रख दो रख दो, मैं यहां खड़ा हो रहा हूं। नाइस है ब्रो, नाइस। चला लूं आगे वहां तक, चलो 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 उधर चलो, यहां से गायब हो बस फिर चला लेंगे। इंडियंस